हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम आदिकाल के संबंध में स्मरणीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है और इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से अभिहित किया है। तो आइए हम देखते हैं कि किन विद्वानों ने किस नाम से इसे पुकारा है। सबसे पहले देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विरोध नाम का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने इसे आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। डॉक्टर राहुल संकृत्याय ने इसे सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जय काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल अथवा चारण काल के नाम से पुकारा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद या शबरपा इसे हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। इन सभी बिंदुओं को प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। श्री सी सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी के प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। आचार्य देवसेन की जो कृति है श्रावकाचार उसे हिंदी के प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावक धर्म, श्रावक धर्म से तात्पर्य है बौद्ध या जैन सन्यासियों को जिन नियम कानून का पालन करना होता है उसे कहा जाता है श्रावक धर्म। इसका वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। परीक्षा में प्राय पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो 84 मानी गई है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान अथवा सहजयान शाखा से है। तो जो सिद्ध होते हैं वास्तव में क्या होते हैं, बौद्ध होते हैं, बौद्ध सन्यासी होते हैं। इनका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म की वज्रयान अथवा सहजयान शाखा से सिद्धों का संबंध होता है। प्रथम सिद्ध का नाम है सरहपा। इनका समय है 8वीं शताब्दी। यह सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना, नैरात्म्य भावना से तात्पर्य है आत्मा के अस्तित्व को नकार देना, न मानना। भावना काया योग, काया योग मतलब शरीर से संबंधित योग, सहज शून्य तथा समाधि के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। तो सिद्ध कवियों ने जो वर्ण व्यवस्था है उस पर तीव्र प्रहार किया है और ये विभिन्न प्रकार की जो समाधि है और योग है उसका इन्होंने अपने उसमें उल्लेख किया है रचनाओं। सिद्धों ने संधा भाषा शैली में रचनाएं की है। संधा भाषा है, सिद्धों की भाषा शैली है। संधा भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। मतलब मन की अनुभूतियों, हृदय की अनुभूतियों, मतलब अंदर की अंतः की अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली भाषा संधा भाषा है, जो प्रतीक भाषा है। प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलट बांसी कहा जाता है। कबीर ने जिस उलट बांसी का प्रयोग किया है वह उसने कहाँ से प्राप्त किया है, सिद्धों की संधा भाषा शैली से वह प्रेरित हुए। तो कबीर की जो भाषा है उसे कहा जाता है उलट बांसी। इस शैली को कहा जाता है उलट बांसी। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक योग का एक प्रकार है हठ योग। गोरखनाथ जी ने इसका प्रवर्तन किया था। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, शुचिता मतलब पवित्रता अपनाने पर जोर दिया तथा मद्य मांस के त्याग हेतु आग्रह किया। मद्य मांस का त्याग का इन्होंने आग्रह किया है। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्म कांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। वास्तव में जो सिद्ध और नाथ पंथ इनका आविर्भाव वास्तव में जो ब्राह्मण ब्राह्मणों का जो कर्म कांड था और वर्ण व्यवस्था थी उसके विरोध में इन्होंने अपना नया पंथ चलाया। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ तथा मच्छंद्र नाथ के शिष्य थे। मच्छंद्र नाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे। पीड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन,
शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के प्रमुख अंग है। संधा भाषा या उलटभाषी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। तो जो कबीर की रचनाओं में जिन चीजों का आपको उल्लेख मिलता है, जिन बातों का उल्लेख मिलता है, वास्तव में उन्होंने यहीं से ग्रहण किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। यह साहित्य प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन धर्मावलंबी साधुओं ने, जो सन्यासियों ने जिन रचनाओं की रचना की, उनका मुख्य रूप से रचना का जो क्षेत्र था वह गुजरात, राजस्थान और दक्षिण था, और इनका जो जैन साहित्य वह प्रामाणिक रूप में आज भी हमारे पास उपलब्ध होता है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की होती है। जैन धर्म की रचनाएं दो प्रकार की है, जिनमें नाथों और सिद्धों की तरह अंत साधना, अंदर की साधना, हृदय की साधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि पर बल दिया गया है, और कर्म कांड वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन मंडन किया गया है। तो ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित हैं और ये मुक्तक काव्य हैं, प्रबंध काव्य नहीं है बल्कि मुक्तक काव्य है। और दूसरी भी उस प्रकार की रचनाएं हैं जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। जितने भी जैन साधु सन्यासी हुए हैं, जैन साधक हुए हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके उनके संबंध में जो लोक प्रचलित कथाएं हैं उनको आधार बनाकर पौराणिक ग्रंथ लिखे गए हैं। स्वयंभू पौराणिक काव्य धारा के अत्यंत महान कवि हैं। स्वयंभू जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं पौराणिक काव्य धारा के। इन्होंने राम कथा को आधार बनाकर पौनचर्य की रचना की है। तुलसीकृत रामचरित मानस में पौनचर्य का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। पौनचर्य 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है, मतलब 83 अध्याय होंगे उसमें। यह बहुत यह महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी नाम का विद्वान हुआ, इन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। रोडा कृत राहुल वेल 11वीं शताब्दी की कृति है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। चंपू काव्य मतलब गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। यह इसकी प्राचीनतम कृति है। यह धार अथवा मालवा के एक शिलालेख पर अंकित है। रोडा कृत राहुल वेल जिसका रचना काल है 11वीं शताब्दी, लौकिक श्रृंगारी काव्य है, मतलब जो जीवन जगत में जो श्रृंगार का जो उल्लेख किया गया है कि नायिकाएं किस तरह से श्रृंगार करती थी लौकिक जगत में, उस पर आधारित काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाले विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राहुल वेल से नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है, मतलब नक्षिक वर्णन की जो परंपरा प्रारंभ हुई है श्रृंगार परंपरा, वो कहां से चालू हुई है? रोडा कृत राहुल वेल से। इसमें राजा के जो अंतःपुर है, जो उसके महलों में रहने वाली रानियों हैं विभिन्न प्रदेशों की, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनका नक्षिक वर्णन किया गया है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश राशक 13वीं सदी है। इसके रचयिता अद्दहमाण अथवा अब्दुल रहमान है। यह 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। संदेश राशक काव्य है, संदेश काव्य है। संदेश काव्य होता है जिसमें नायक या नायिका अपने प्रियतम को संदेश भेजते हैं। तो यह किसी इस्लामी धर्मावलंबी कवि की भारतीय भाषा में रचित प्रथम ग्रंथ है। यह संदेश काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है, वे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, और जिन 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने उसकी प्रवृत्ति के आधार पर इसे वीरगाथा काल कहा है, वे रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली और नरपति नालकृत बीसल देव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। यह रचनाएं हमें प्रामाणिक रूप में प्राप्त होती हैं। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इनमें 11 संस्कृत के, 2 अवहट्ट के तथा 1 मैथिली का है। तो अवहट्ट भी एक भाषा का रूप है। विद्यापति को क्या क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को क्या कहा है? कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य मतलब महाकाव्य।
इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्तिपदा का अभी तक सूचना मात्र है, मतलब कीर्तिपदा के बारे में केवल जानकारी प्राप्त हुई है, यह रचना हमारे पास प्रमाणिक रूप में उपलब्ध नहीं है। और विद्यापति की जो पदावली है यह विद्यापति का यश का आधार है, उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है, इसके कारण वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है, लौकिक प्रेम मतलब सांसारिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन वया संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। वया संधि मतलब जो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और यौनावस्था के बीच का जो समय होता है, जिसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं, तो उस समय का बाल्यावस्था और यौनावस्था के जो बीच का समय है उसका चित्रण करने में इनकी विशेष रुचि है। विद्यापति पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफी विवाद है। कुछ विद्वान इसे भक्ति परक रचना मानते हैं, राधा कृष्ण की भक्ति, और कुछ विद्वान कहते हैं कि यह राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, इसमें यह श्रृंगार परक रचना। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नचारी, यह कोई इनका टाइटल है, के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत हैं, अतः कुछ विद्वान ने भक्ति मानते, कुछ विद्वान ने भक्त कवि मानते हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ वंदना की है देवताओं की, देवी देवताओं की, इसलिए इन्हें कुछ विद्वान क्या भक्त कवि मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है। पदावली में जो उन्होंने जो लिखे हैं वे हमेशा श्रृंगार के हैं अधिकतर, जिनमें नायक नायिका और नायक राधा कृष्ण है, नायिका राधा है, नायक कृष्ण भगवान है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें भक्त कवि मानने से इंकार करते हैं। मिथिलांचल जो है वहां पर विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त कहता है। मिथिलांचल जो बिहार का जो मिथिलांचल है, बहुत सारे उसमें क्षेत्र शामिल है, वहां पर इन्हें कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और ना ही भक्त मानता। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनका अधिक महत्व है और इन्हें वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। बीसल देव रासों में साकंभरी नरेश, बीसल देव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानता श्रृंगारी काव्य है। परीक्षा में पूछा जाता है कि बीसल देव रासो क्या है, श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगार से संबंधित है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारह मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव रासों में मिलता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बारह मासा मतलब बारह बारह जो महीना होते हैं, बारह महीने के जो अलग अलग मौसम और प्रकृति का जो वर्णन होता है बारह मासा वर्णन, वह सर्वप्रथम किसमें मिलता है, बीसल देव रासों में मिलता है। हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हमीर विषयक एक पद्य प्राकृत पेंगलम में अवश्य मिलता है, तो हमीर रासों के संबंध में एक जो पद्य है वह प्राकृत पेंगलम नाम के ग्रंथ में मिलता है। और जगनीकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में ही पहचाना जाता है। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक, जिसे उत्तर भारत में आल्हा के रूप में गाया जाता है और बरसात के समय विशेष रूप से इसका गायन होता है। आल्हा एक प्रकार का लोकगान है जो विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न रूपों में गाया जाता है, मतलब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में आल्हा को अलग अलग प्रकार से गाया जाता है। और तो आज परमाल रासो के जगनी का इसे आल्हा खंड या आल्हा खंड के रूप में भी जानते हैं, इसे आल्हा के रूप में भी जानते हैं। खुमान रासो के रचिता दलपति विजय हैं। इसमें नवी शती के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों मतलब बाद के शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इसे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता हैं चंद बरदाई और यह पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग मित्र माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभक्त है। 69 सर्ग मतलब 69 अध्याय आप कह सकते हैं। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा निंदा तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद है। तो यह बहुत ही विवादास्पद ग्रंथ है। डॉक्टर बुलर नाम के विद्वान को जब यह पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं है, मतलब इतिहास से मैच नहीं करते, उनसे मिलान नहीं होता, तो उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित न करने की सिफारिश की थी डॉक्टर बुलर ने। अब ये दो प्रकार के विद्वानों के वर्ग हैं। कुछ लोग इसे प्रामाणिक मानते हैं और कुछ लोग इसे क्या काल्पनिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कवि राजा श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि हैं, यह इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करते हैं। लेकिन कुछ अन्य विद्वान
पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो को पूरी तरह से प्रामाणिक मानते हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कहना है पृथ्वीराज रासो की रचना शुक सुखी संवाद के रूप में हुई थी। इसे भी परीक्षा में प्राय पूछा जाता है। शुक सुखी संवाद, शुक सुखी मतलब तोता मैना की जो संवाद होता है, शुक या सुखी या तोता, तोता मैना की कहानी हम लोग पढ़ते हैं उसी रूप में इसका संवाद के रूप में हुई है। जिन सर्गों में या शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त या मिलाए हुआ मानना चाहिए। इससे वे अंश प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। मतलब तोता मैना की कहानी के रूप में इसका वर्णन हुआ है लेकिन जिनमें इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता या फिर जो इतिहास सम्मत नहीं है, इतिहास से मिल नहीं खाता, उन्हें यह माना जाना चाहिए कि यह मिलाया गया है या कल्पित है। प्रक्षिप्त मतलब मिलाया गया या फिर कल्पित है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पुरातन प्रबंध संग्रह एक ग्रंथ है, उसमें इसके कुछ अंश वहां पर पाए जाते हैं, कुछ पद, तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रज भाषा का रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पिंगल भाषा किसे कहा जाता है? पिंगल शैली ब्रज भाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण होता है, इसे कहा जाता है पिंगल शैली। और पृथ्वीराज रासो इसी शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका, आख्यायिका मतलब शिक्षाप्रद लघु कहानी आदि के भी लक्षण मिलते हैं। तो रासो परंपरा का काव्य तो है ही लेकिन चरित काव्य मतलब किसी का चरित्र का वर्णन करना, कथा काव्य कहानी का वर्णन करना, शिक्षाप्रद लघु कहानी आदि विभिन्न लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख हैं। पृथ्वीराज रासो में दो रस प्रमुख हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। इसके बावजूद भी इसका जो प्रमुख रस है यह वीर रस है। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्षिक वर्णन, सेना के प्रयाण, सेना जब युद्ध के लिए प्रयाण करती है आगे बढ़ती है, युद्ध षड रीतियों का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। जो छह ऋतु होते हैं उनका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य भी लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग, सर्ग मतलब होता है ग्रंथ का अध्याय या प्रकरण, इसे समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय क्या है? कन्वज युद्ध, जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। कन्वज या कन्नौज कह सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वर्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं किंतु 56 चंद बरदाई का अपना प्रिय छंद है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचिता चंद बरदाई के पुत्र जल्लड है। जो सेकंड हाफ जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो का, उसके रचिता कौन है? चंद बरदाई के पुत्र जल्लड है। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध है। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज रासो ने उसका वध किया था। मतलब वो रास रंग में या फिर महिलाओं में बहुत ज्यादा उनकी लिप्तता हो गई थी, कामांध हो गए थे, काम के उसमें अंधे हो गए थे, मतलब दिन भर उनके मन में और वही चलता रहता था, काम काज में ध्यान नहीं देते थे, तो पृथ्वीराज ने उनका वध कर दिया था। पृथ्वी चंद कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है, जो 52 दोहों के रूप में लिखा जाता है। बावनी काव्य आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं अमीर खुसरो। इनका समय है 14वीं सदी। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सकुने अभी तक प्रचलित हैं, अभी तक हम इसको पढ़ते हैं। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है, इसलिए अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। अमीर खुसरो कृत नू सिपर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तृत वर्णन किया गया है। अमीर खुसरो की जो रचना है नू सिपर, उसमें भारत में उस समय जो बोलियां बोली जाती थी उनका विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंदी की उपाधि दी थी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज ए खुसरवी नामक ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। तो अमीर खुसरो बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती है हिंदी साहित्य के। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, इन्हें हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि का दर्जा प्राप्त है अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम था अबुल यमुनुद्दीन खुसरो है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर, इन्होंने ये भी 14वीं शताब्दी की रचना है। इसके लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है।
एक डिंगल भाषा की तरह एक डिंगल भाषा भी होती थी। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ है। डिंगल क्या है? डिंगल साहित्य गद्य पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद्य में यह साहित्य रासो प्रकाश रूपक और वचनिका के रूप में तथा गद्य में ख्यात वात विगत पीढ़ी और वंशावली आदि रूपों में मिलता है। ये अलग अलग काव्य रूप है। राठौड़ारी ख्यात में भट्ट केदार कृत जय चंद्र प्रकाश और मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। यह सभी आदिकाल के उल्लेखनीय उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इसे आपको याद करना है इनके कवियों के नाम के साथ। वसंत विलास आदिकाल की अत्यधिक सरस साहित्य कृति है। इसके रचयिता का पता नहीं चल सका है। यह भी महत्वपूर्ण रचना है वसंत विलास आदिकाल की। इसके 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वसंत विलास में उसका उल्लेख किया गया है। चचरी अथवा चाचरी आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरी कृत समरायिच कहा में मिलता है। चरचरी अथवा चाचरी भी उस समय का काव्य रूप है जो यहाँ पाया जाता है। हरिभद्र सूरी के समरायिच कहा में मिलता है। वसंत ऋतु होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत फागु कहा जाता है, जिसे फाग गीत भी कहते हैं वर्तमान में। आदिकालीन वसंत विलास फागु, विरह देशावरी फागु, स्थूल भद्र सागु फागु, नेमीनाथ फागु इत्यादि प्रमुख हैं। जिन चंद सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है। वसंत विलास जनेतर फागु है। वसंत विलास क्या है? बाद में फाग के रूप में लिखी गई रचना है। आदिकाल में लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही है। इनमें ढोला मारूरा दोहा दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। लोक भाषा काव्य की रचना है ढोला मारूरा दोहा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। मतलब आचार्य हेमचंद और बिहारी के दोहों के जो बीच की जो स्थिति है वह क्या है? ढोला मारूरा दोहा है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोगमाला वैद्य ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। तो आदिकालीन वैद्य ग्रंथ कौन सा है? जगत सुंदरी प्रयोगमाला। प्राकृत पेंगलम नाम की भी एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना है आदिकाल की। इसमें आदिकालीन हिंदी साहित्य का ऐसा संग्रह ग्रंथ है जिसमें प्राकृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित हैं। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रज भाषा, राजस्थानी खड़ी बोली अवधि और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं इसमें पाई जाती हैं, देखी जाती हैं। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद्य कवि बब्बर द्वारा रचित हैं। इनकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। मुल्ला दाऊद की या मौलाना दाऊद की चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकाल होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख रचनाएं देखी आदिकाल में जो लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं उनका हमने यहाँ पर अध्ययन किया। और इनसे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट परीक्षा में अथवा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को अक्षरशः याद कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।